हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रेड आउट पॉजिटिविटी। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे ऑल इंडियन ब्रॉन्ज मेडल विनर एट टोक्यो ओलंपिक। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में जानेंगे कौन सा एथलीट किस फील्ड में क्या मेडल लेकर आया है, वो कहां से बिलोंग करता है मीन्स बर्थ प्लेस, और उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारियां। एंड एट लास्ट हम देखेंगे कि वो इससे पहले किस किस अवार्ड से नवाजा गया है By गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारा पहला नाम होगा PV सिंधु। PV सिंधु जी का जन्म 9th जुलाई 1995 को हैदराबाद में हुआ था। अभी ये मात्र 26 वर्ष की हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि इस बार टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने हमें ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। अपार्ट फ्रॉम ओलंपिक, ये 2013 से लेकर 2019 तक हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल दिलाते आई हैं, 2015 को छोड़कर। यहाँ तक 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने भारत के नाम एक गोल्ड भी करा, और इस तरह ये दुनिया के दूसरी महिला है जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 5 बार से ज्यादा मेडल जीता। 2016 समर ओलंपिक में इन्होंने खुद को एज ए इंडियन बैडमिंटन प्लेयर रिप्रेजेंट करा था, और फाइनल में पहुंचने वाली ये पहली भारतीय महिला भी बनी। हालांकि फाइनल में स्पेन से ये हार गई, पर उस साल भारत के नाम इन्होंने सिल्वर मेडल करा था। 2018 में एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम में भी भारत के नाम सिल्वर करा था। अगर हम बात करें अवार्ड की, तो हम आपको बता दें कि इन्हें 2013 में अर्जुन अवार्ड, 2015 में पद्म श्री, 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, और 2020 में पद्म भूषण से नवाजा। और हमारे दूसरे नंबर पर आती हैं लोवलीना बोरगोहाइन। इनका जन्म 2nd अक्टूबर 1997 को हुआ था, और इस साल टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने हमें ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। ये इंडिया को एज ए बॉक्सर रिप्रेजेंट करती हैं, और हम बता दें कि ये फर्स्ट फीमेल एथलीट और सेकेंड बॉक्सर प्रमासाम जो रिप्रेजेंट कर रही हैं अपने स्टेट को ओलंपिक में। और अगर बात करें अवार्ड की, तो इन्हें अर्जुन नवाजा गया है। तो गाइस, हमारा अगला विनर है इंडियन टीम मेंस हॉकी। आपको हम बता दें कि आफ्टर 41 ईयर, मतलब इससे पहले 1980 में मॉस्को में हमने जीता था, तो 41 ईयर के बाद हमने इस बार टोक्यो समर ओलंपिक में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है हमारे इंडियन टीम ने। और ये बहुत ही थ्रिलिंग कमबैक था जर्मनी के खिलाफ। अगर हम ओलंपिक में गोल्ड लाने की बात करें, हमारे इंडियन टीम मेंस हॉकी द मोस्ट सक्सेसफुल टीम है। 1928 में हमने पहला ओलंपिक गोल्ड जीता था हॉकी टीम में। तब से लेकर अब तक हम 8 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, जिनमें से 2 बार तो हैट्रिक है, और इनमें से 1 बार मेजर ध्यानचंद जी के कप्तानी में भी हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि इंडिया ऑल्सो हैज द बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस इन ओलंपिक हिस्ट्री विद 83 विक्ट्रीज आउट ऑफ 134 मैचेस प्लेड। तो हमारा अगला है बजरंग पूनिया, जो कि इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर है, और ये 65 केजी कैटेगरी के अंदर खेलते हैं मतलब। और इस साल इन्होंने हमारे देश का नाम ब्रॉन्ज मेडल करा है। हम बता दें इनका जन्म 26 फरवरी 1994 को हुआ था। अभी ये 65 केजी मैच कैटेगरी में नंबर 1 रैंक पर बैठे हुए हैं। ही इज द ओनली इंडियन रेसलर टू ओन 3 मेडल एट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। और अगर अवार्ड की बात करें, तो इन्हें अर्जुन अवार्ड, पद्म श्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया। तो गाइस, ये था हमारा ऑल इंडियन एथलीट ब्रॉन्ज मेडल विनर। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिल्वर विनर, और फिर लास्ट वीडियो में हम आपको नीरज चोपड़ा गोल्ड मैन के बारे में बताएंगे, और हम आपको ये भी बताएंगे कि उन्हें गोल्ड मैन क्यों कहा जाता है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।